लोकसभा चुनाव के आगाज के बाद छत्तीसगढ़ के सियासी गलियारों में घमासान मचा हुआ है। सोमवार को बिलासपुर पहुंचे डिप्टी सीएम अरुण साव ने मीडिया को संबोधित कर भूपेश पर गंभीर आरोप लगाए। डिप्टी सीएम अरुण साव ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि जिस तरह भूपेश बघेल बोल रहे हैं उससे साफ है कि चोर की दाढ़ी में तिनका है। न्यायालयीन प्रक्रिया और कार्रवाई हो रही है। गूगल पर 508 करोड़ सर्च करने से भूपेश का नाम उल्लेख मिलता है। कानूनी प्रक्रिया और कानूनी कार्रवाई किसी के पद और कद को देखकर नहीं होती है। एजेंसियां कानून सम्मत कार्य कर रही है। इस कार्रवाई का चुनावी कार्रवाई से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि जांच के बाद एफआईआर दर्ज हुई है। एफआईआर दर्ज होने के बाद पेट में दर्द क्यों हो रहा है? बैटिंग ऐप के जरिए युवाओं के भविष्य से खेला गया। भूपेश बघेल ने आकाओं के एटीएम के रूप में कार्य किया। कोई भी कितना भी बड़ा हो कार्रवाई होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ को लूटने और बर्बाद करने वालों को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मीडिया के सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है आप सभी को। नमस्कार। महादेव बेटी के एक वाले मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने सार्वजनिक रूप से जो बयानबाजी की है वो ये बताता है कि जैसे चोर की दाढ़ी में तिनका, न्यायिक कार्यवाही है, न्यायालय और कानून प्रक्रिया का सम्मान करना चाहिए, न्यायिक प्रक्रिया में जाना चाहिए, उसके बजाय अनाप शनाप कहना ये ठीक नहीं है। एफआईआर दर्ज हुई है और पहले भी हम सबको पता है कि लगातार मीडिया में महादेव बेटिंग ऐप को लेकर बहुत सारे तथ्य सार्वजनिक हुए, मीडिया के माध्यम से हुए। हम सबको इस बात का भी स्मरण है कि किस प्रकार से असीम राय से 5,39,00,000 रुपए की जब्ती ईडी ने की थी और तब असीम राय ने कहा था कि यह राशि भूपेश बघेल को देने के लिए थी। जब शुभम सोनी का भी दुबई से वीडियो जो वायरल हुआ उसमें भी स्पष्ट रूप से उन्होंने भूपेश बघेल जी को करोड़ों रुपए देने का उल्लेख किया है। आज हम गूगल में 508 करोड़ सर्च करेंगे तो भूपेश बघेल जी के का उल्लेख वहां स्पष्ट रूप से मिलता है। आज महादेव बेटिंग ऐप का मामला कितना गंभीर और कितना बड़ा मामला है ये हम सब भलीभांति जानते हैं और ऐसे मामले में दो पेज की प्राथमिकी जो सोशल मीडिया में वायरल हो रही है उसके आधार पर सार्वजनिक रूप से बयानबाजी और राजनीति करना ये ठीक नहीं है। न्यायालयीन प्रक्रिया है, कानून प्रक्रिया है, उसका पालन होना चाहिए, उसका सम्मान भूपेश बघेल जी को करना चाहिए। कानूनी प्रक्रिया और कानूनी कार्रवाई किसी के पद या कद को देखकर नहीं होता है। एजेंसियां कानून सम्मत काम कर रही है। इस मामले का न चुनाव से कोई लेना देना है, न राजनीति से लेना देना है।
कांग्रेस के लोग ही अब सरकार ये दावा करती रही है जिस पर जांच की कार्रवाई हमने प्रारंभ की है। फिर जब एक तरह आप दावा करते हैं कि इसकी जांच की कार्रवाई हमने की और दूसरी ओर उसी जांच के कार्यवाही के अग्रिम प्रक्रिया में जब एफआईआर दर्ज होता है तब ये पेट में दर्द क्यों हो रहा है? जांच के उपरांत ये एफआईआर दर्ज हुई है, ये कार्रवाई राजनीतिक विद्वेष वश नहीं है। आज तो हमारी छत्तीसगढ़ में सरकार है, हम मोदी की एक एक गारंटी पूरा करने में लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक विद्वेष वश कार्रवाई करने की न मंशा है न कभी किया है। हमारी सरकार विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में मोदी की गारंटी को पूरा करने में लगी हुई है, जनता की सेवा करने में लगी हुई है। जांच एजेंसियां अपना काम कर रही है। भूपेश बघेल जी न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान करें, न्यायिक कार्यवाहियों का सामना करें, अनाप शनाप बयानबाजी से कुछ होने वाला नहीं है। जनता ने 5 साल में देखा है, झेला है। भगवान के नाम पर धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश, विश्वासघात और जालसाजी रचने वालों पर महादेव जी का प्रकोप निश्चित रूप से बरसना तय है और इसलिए भूपेश बघेल जी को चाहिए कि राजनीति करने के बजाय न्यायिक प्रक्रिया का सामना करें, कानूनी का सम्मान करें और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, सरकार के ऊपर निराधार और बेबुनियाद आरोप लगाना बंद करें। राजनीति विद्वेष हो या न हो, एक बयान विपक्ष से जरूर आ रहा है। चुनाव के समय इलेक्ट्रोनल बॉक्स से धान घटाने के लिए महादेव ऐप। आप सबको मालूम है कि महादेव ऐप में जांच की कार्यवाहियां कब से चल रही है और ये सतत प्रक्रिया है जो अब हुई है। क्या एसीबी का छापा पड़ा गई। मैंने कहा जांच की कार्रवाई अभी महादेव ऐप पर हुई है और जहां पर भी इस प्रकार की बात हो निश्चित रूप से हो। क्या नहीं लगता कि लोकसभा चुनाव के दौरान ही मैंने आपसे बहुत स्पष्ट रूप से कहा है न राजनीति से इसका लेना देना है न चुनाव से, ये कार्यवाही सतत प्रक्रिया है और जांच की कार्यवाही लंबे समय से चल रही है। जांच के प्रक्रम में ये एफआईआर दर्ज हुआ है। टाइमिंग को लेकर कहा जा रहा है कि बीजेपी का एडवांटेज मिलेगा तो इसी टाइम पे कार्रवाई हो रही है। मैंने बहुत स्पष्ट कर दिया न राजनीति से इसका लेना देना है न चुनाव से लेना देना है, ये जांच की कार्यवाही की सतत प्रक्रिया का हिस्सा है। कांग्रेस ट्रांसफर भी आपके विभाग में, किसी का ट्रांसफर भी हुआ 3 साल से जमे में आपके विभाग करे, उसका ट्रांसफर क्यों नहीं हुआ? मेरे विभाग में नगरी निकाय प्रशासन विभाग में ट्रांसफर हुआ है, बीएचई में हुआ है, लोक निर्माण विभाग में लोकसभा चुनाव के बाद तुरंत होगा। ये आरोप राजनीतिक आरोप तो लगते रहते हैं, चलते रहते हैं, चुनाव में समझ जाए, लेकिन भूपेश बघेल जी के बयान को लेकर किसी सफाई देने की जरूरत पड़ती है? इसलिए कि इसे लेकर जो राजनीति हो रही है उसका जनता के बीच में सही विषय जाना चाहिए, इसलिए आपके माध्यम से जनता के बीच में सही विषय पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या कुछ गलतियां हुई है उस पर भी थोड़ी चर्चा करें, इलेक्टोरल बॉन्ड में क्या कुछ गड़बड़ियां हुई है उस पर भी चर्चा करें।
देखिए चुनाव में काले धन का उपयोग रुकना चाहिए, इसके लिए ठोस और मजबूत कार्यवाही होनी चाहिए। ये सबका मत है, देश का भी मत है। नहीं, उसने अवैधानिक कर दिया है तो आप लोग देखिए, आप भारतीय जनता पार्टी सूचिता की राजनीति करती है, जनता के लिए राजनीति करती है, कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, जनहित में काम करने का काम भारतीय जनता पार्टी का है। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस ये हमारी नीति रही है और उसी पर हम चल रहे हैं। आज कांग्रेस मुद्दा विहीन है, विपक्ष मुद्दा विहीन है, विपक्ष के पास न नियत है, न नेतृत्व है, न काम है, इसलिए बेबुनियाद आरोप लगाने का प्रयास लगातार वो कर रहे हैं। इसलिए बहुत